हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलज। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिमालय के उत्पत्ति के संबंध में समझ लिया था और इसमें हम लोगों ने दो सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। पहला था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा था हैरिहेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम। तो इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी और जाने थे कि किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और आज के इस वीडियो में हम हिमालय के पर्वत श्रेणियों के बारे में समझेंगे और इनसे किस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो हिमालय के अंतर्गत चार प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। फोर मेजर पैरेलल माउंटेन रेंजेस आर इंक्लूडेड अंडर द हिमालयस। तो हिमालय के अंतर्गत चार पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है और ये इस प्रकार है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहद हिमालय, इसे सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा है मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये चार पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय के अंतर्गत जो आती हैं। आगे बात करते हैं, अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर में तीन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। तो हिमालय में चार पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है जिसमें एक ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में भी तीन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के उत्तर में है। द ट्रांस हिमालय इंक्लूड्स थ्री माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ ऑफ द हिमालय इन जम्मू कश्मीर। और ये इस प्रकार हैं। पहला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर इसे मैप के माध्यम से समझें तो ये जो जम्मू कश्मीर के उत्तर में हमें दिख रहा है, जो आज वर्तमान में लद्दाख है, तो ये जो हिस्सा है इसी में हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलता है। और इस ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है। जो सबसे ऊपर में जो ब्लैक दिख रहा है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी है और उसके नीचे जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो ये हमारा मैप में हम समझ लिए कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर स्थित है। तो यही हमारा ट्रांस हिमालय है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हिमालय में चार पर्वत श्रेणियाँ मिलती है, और इन चार पर्वत श्रेणियों में जो पहला पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत भी हमें तीन पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं जो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय है उसे पार हिमालय कहा जाता है। अब पार हिमालय क्यों कहा जाता है? तो पार हिमालय इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक में जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय का हिस्सा नहीं है, वह हिमालय से अलग है, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। और काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है पर्वत श्रेणी। तो जो काराकोरम है ये हिमालय के सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में स्थित पर्वत श्रेणी है। मैप के माध्यम से हम समझें तो यहाँ हमें दिख रहा होगा कि ये हमारा ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय में जो सबसे उत्तर में पर्वत श्रेणी है वह काराकोरम पर्वत श्रेणी है, और ट्रांस हिमालय का जो सबसे दक्षिण में पर्वत श्रेणी है वह जास्कर पर्वत श्रेणी है, और इन दोनों के बीच में हमें लद्दाख पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है। अब आगे समझते हैं। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है, यह यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। तो जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। जब हम लोग हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें दो सिद्धांत पढ़े थे, और इन दोनों सिद्धांतों से हमें यह पता चला था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वह टेथिस सागर में जमे मलबे से हुआ है। किंतु जो ट्रांस हिमालय है इसका निर्माण मलबे से नहीं हुआ है, ये क्या है? तो यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो जब हम लोग हैरिहेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि पूरा जो दुनिया है इसमें हमें कुल छः प्लेट्स देखने को मिल रहे थे, और इनमें था एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के बीच टकराव होता है, और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर होता है। तो इनके टकराने से टेथिस सागर का जो मलबा है उसमें वलन हो जाता है और वह ऊपर की ओर उठ जाता है, उसी से हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन जो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराता है तो उससे हिमालय का तो निर्माण हुआ, लेकिन जो ट्रांस हिमालय है वह यूरेशियन प्लेट का भाग है, मतलब वह यूरेशियन प्लेट में पहले से स्थित था। यूरेशियन प्लेट में ट्रांस हिमालय पहले से प्रेजेंट था, लेकिन हिमालय का जो निर्माण वो तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण तो पहले से था, वह यूरेशियन प्लेट में पहले से स्थित था, लेकिन जो हिमालय का निर्माण हुआ है वह यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने के बाद
जो टेथिस सागर में मलबा था उस टेथिस सागर के मलबे से हुआ है हिमालय का निर्माण, तो इसीलिए ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी, और अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो ट्रांस हिमालय बहुत अधिक ऊंचाई में, और बहुत अधिक ऊंचाई में होने के कारण यह सालों भर वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण ट्रांस हिमालय में किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं तो काराकोरम भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो जो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रेणी है वह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, और काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तम स्थित पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बन सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। दूसरा सवाल कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह भी होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। जब भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, तो काराकोरम, और ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी तो काराकोरम। अब आगे बात करते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है, गौडवीन अश्विन जिसे कहा जाता है, और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में केटू स्थित है, केटू चोटी जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसे गौडवीन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर चार प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में चार तरह के ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ये हैं, पहला सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा वियाफो ग्लेशियर, और चौथा बाल्टोरा ग्लेशियर। तो यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में। अब आगे बात करते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है, और तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। तो जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय का, उसका विस्तार केवल भारत में ही नहीं, ये आगे तिब्बत तक आया हुआ है, और तिब्बत में काराकोरम पर्वत श्रेणी को कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में काराकोरम पर्वत श्रेणी को कैलाश श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि तिब्बत में काराकोरम पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही राकापोसी शिखर स्थित है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में हमें काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है, और काराकोरम के दक्षिण में हमें लद्दाख पर्वत श्रेणी देखने को मिलता है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही राकापोसी शिखर स्थित है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो राकापोसी शिखर से दो तरह के सवाल बनेंगे, पहला सवाल कि राकापोसी शिखर कहाँ स्थित है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, और यह लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो ये हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी हो गया, और इसके उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, और ये उत्तर पश्चिम की ओर जाते हुए ये इधर से इधर पाकिस्तान वाले इलाके में निकल जाती है। तो ये हमारा सिंधु नदी हो गया, और ये हमारा पर्वत श्रेणी है लद्दाख, इसके दक्षिण में स्थित है, और लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी है, और ये श्योक नदी, और ये जाके आगे सिंधु नदी से मिल जाती है, यानी श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण में सिंधु नदी स्थित है, और इसके उत्तर में श्योक नदी स्थित है, और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और ये जो सिंधु नदी है जो लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, वो सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, या फिर
चेमायुमडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है। अब आगे बात करते हैं, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, और ये सिंधु नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है। तो जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसके उत्तर में हमें श्योक नदी देखने को मिल रहा है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में हमें सिंधु नदी देखने को मिल रहा है। और सिंधु नदी किसके बीच में पास होती है, किसके बीच से प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी के उत्तर में हमें देखने को मिल रहा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और दक्षिण में हमें जास्कर पर्वत श्रेणी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हमें दो तरह के कॉन्सेप्ट समझ में आए। पहला कॉन्सेप्ट कि लद्दाख जो है पर्वत श्रेणी, वह दो नदियों के बीच में है, श्योक नदी और सिंधु नदी, और जो सिंधु नदी है यह दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तो पहला है लद्दाख पर्वत श्रेणी और दूसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और जो लद्दाख की राजधानी लेह है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो सिंधु नदी इधर से गुजर रही है, तो सिंधु नदी का यह हिस्सा दाहिना होगा और यह हिस्सा बायां होगा। तो सिंधु नदी के दाहिने में लद्दाख के राजधानी लेह स्थित है, तो यहाँ होगा लेह, इसके आसपास कहीं होगा तो लद्दाख, और लद्दाख वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हिमालय के चार पर्वत श्रेणियों में ट्रांस हिमालय को समझ लिया। अब आगे हम लोग बात करते हैं वृहत हिमालय की। वृहत हिमालय की बात करें तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट जानते हैं ट्रांस हिमालय को लेके, कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। तो जो ट्रांस हिमालय था, हमने पहले भी बात किया था कि ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी था, और ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी था, और काराकोरम और जास्कर इन दोनों के बीच में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहा जाता है, तथा हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है। अब आगे बात करें तो वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। जो वृहद हिमालय है वह ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। तो हमारा वृहद हिमालय कौन सा रहा? ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ये हमारा वृहद हिमालय है, और जो ब्लैक वाला दिख रहा था ये हमारा ट्रांस हिमालय था। और ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करने वाला है सचर जोन। तो इन दोनों के बीच में सचर जोन पाया जाता है, और यह सचर जोन ट्रांस हिमालय और इस वृहद हिमालय को अलग करता है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। जो वृहद हिमालय है हिमालय की चारों पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची और सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी है, यानी इसकी ऊंचाई वृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा अधिक है और जितने भी हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी अपेक्षा। अब आगे बात करें तो वृहद हिमालय नंगा पर्वत से नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी जब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। तो बात करें तो जो वृहद हिमालय है, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये वृहद हिमालय है, और ये वृहद हिमालय पूरब में नामचा बरवा से लेके पश्चिम के नंगा पर्वत तक इसका विस्तार है, फैला हुआ है, और इसकी कुल जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। और यह नामचा बरवा ये तिब्बत के पठार में स्थित है, और यह नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आगे बात करते हैं, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। तो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां इसी वृहद हिमालय में पाई जाती हैं, और इनके जो क्रम इस तरीके से हैं, सबसे पहला जो सबसे ऊंचा है पर्वत चोटी वह एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। आगे बात करें तो अगला है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, उसके बाद अगला है मकालू जो नेपाल में स्थित है, उसके बाद धौलागिरी जो भी नेपाल में स्थित है, उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। तो बृहद हिमालय में सबसे अधिक हमें ऊंचाई वाले पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं, और विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हमें वृहद हिमालय से देखने को मिलती हैं, और वृहद हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है वह एवरेस्ट है, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो कई बार इनके क्रम में भी आता है कि आप क्रम में सजाइए इसकी ऊंचाई के आधार पर कि कौन
कितना ऊंचा है उसका क्रम। तो क्रम के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले एवरेस्ट आएगा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद धौलागिरी और उसके बाद अन्नपूर्णा। तो कई बार एग्जाम में इसके क्रम को ही पूछा जाता है इसके ऊंचाई के आधार पर। अब हम लोग आगे बात करें तो विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है वह एवरेस्ट है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है और वो भी ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में। इसकी जो ऊंचाई है वह 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विश्व की पहली जो हुई वह तो एवरेस्ट हुई और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हुई वह केटू हुई, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। यह हिमालय का जो मुख्य हिस्सा नहीं है या बृहद हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। उसके बाद आता है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ से भी कई सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो केटू है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूसरा सवाल, भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह कंचनजंगा होगा जो सिक्किम में स्थित है। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बनेंगे, कन्फ्यूजन ना करें। पहला सवाल, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित और भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कंचनजंगा, क्योंकि केटू हिमालय की जो मुख्य भाग है उसमें स्थित नहीं है, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है। कौन? केटू ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ से दो तरह के सवाल बन जाएंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करें तो भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती हैं और वे हैं कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में भी हमें कई महत्वपूर्ण चोटियाँ देखने को मिलती हैं और यहाँ से भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। भारत के उत्तराखंड में हमें कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ जैसी प्रमुख चोटियाँ देखने को मिलती हैं। कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कॉमेट चोटी कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरह से कई सवाल यहाँ से भी बनते हैं। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं वह उत्तराखंड में स्थित हैं और वे हैं कॉमेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ। और हमने अभी चर्चा की कि जो विश्व की ऊंची चोटियाँ हैं तो इनकी ऊंचाई के आधार पर क्रम में सजाने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, किंतु ये तो ऊंचाई के आधार पर क्रम हुआ। कई बार इनको पूर्व से पश्चिम की दिशा के क्रम में पूछा जाता है और कई बार पश्चिम से पूर्व की दिशा में। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्वत चोटियों को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। तो अगर पूर्व से पश्चिम की दिशा में बात करें, अगर हिमालय के पर्वत चोटियों की, सबसे पूर्व में मिलेगा हिमालय के नामचा बरवा, उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मनसालू। यानी एवरेस्ट बीच में है, इससे पहले मिल रहा है हमें मकालू, इसके बाद मनसालू, उसके बाद है धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद नंदा देवी और उसके बाद बंदरपूछ। तो इस तरह से अरेंज करने के लिए भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूरब से पश्चिम में अरेंज कीजिए या फिर पश्चिम से पूरब में अरेंज कीजिए। तो पूरब से पश्चिम में इस प्रकार है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूछ। इसी को उल्टा कर देंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर हो जाएगा। अब आगे बात करें तो एवरेस्ट को, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसको तिब्बत भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट को तिब्बत भाषा में क्या कहा जाता है? चोमो लुंगमा, और इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो कई बार यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमो लुंगमा, जिसका अर्थ पर्वतों की रानी होता है। आगे बात करें तो उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर दो ग्लेशियर स्थित हैं। जिस प्रकार से जब हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि ट्रांस हिमालय में चार ग्लेशियर पाए जाते हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर, इस वृहद हिमालय पर उत्तराखंड वाले हिस्से में दो ग्लेशियर स्थित हैं और ये दो ग्लेशियर हैं गंगोत्री और यमुनोत्री। और गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान, गंगा नदी का उद्गम स्थान, और यमुनोत्री यमुना का उद्गम स्थान है। तो उत्तराखंड में इस वृहद हिमालय पर दो ग्लेशियर पाए जाते हैं, पहला तो है गंगोत्री और दूसरा है यमुनोत्री। और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, यानी गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री। उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर दो प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को समझेंगे, जो लघु हिमालय होगा, मध्य हिमालय होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।